नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। बुधवार को सुबह जो शुरू हुई बारिश, उससे गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गोगुंदा ओगना रोड है और इस सड़क पर मोखी स्कूल के पास में ये पुलिया है। ये पुलिया एक तरीके से पूरी अवरुद्ध हो चुकी है। पुलिया के नीचे से पानी नहीं जाकर पुलिया के ऊपर से बह रहा है और ऊपर पानी बहने के कारण आवागमन एक तरीके से बाधित हो गया है। लोग आप देख सकते हैं कि इस छोर वाले लोग इधर और उस छोर वाले लोग उधर, ये वाली स्थिति बन गई। काफी देर तक ये स्थिति यहाँ पर बनी रही। वहीं इस दौरान यहाँ से गुजरे मजावड़ी के धर्मेश पुत्र खेमराज पालीवाल की बाइक यहाँ से बह गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं, धर्मेश पालीवाल अपनी बाइक को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। बाइक के ऊपर दोनों तरफ दूध के केन बंधे हुए हैं। ये दूध सप्लाई करने के लिए गए हुए थे। इस पुलिया को उन्होंने जब पार करने की कोशिश करी तो अनबैलेंस हो गए, उनका संतुलन बिगड़ गया और बाइक गिरते गिरते बची। उनके जो पास में लोग खड़े थे, उन्होंने उनको बचाने का कोशिश किया। उन्हें तो बचा लिया, लेकिन उनकी बाइक और दूध के जो ड्रम थे वो यहाँ से बह चुके हैं। अब उनको निकालने के जो है प्रयास किए लोगों ने, आगे तक जाके लोगों ने देखा, लेकिन वो बाइक और वो कहीं तक दिखी नहीं है। अभी तक तो उनको नहीं मिली है। दोनों तरफ देख सकते हैं भीड़ जमा है। यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जो एम्बुलेंस किसी को रेफर किया गया था जिसे लेकर जा रही थी, लेकिन पानी की मात्रा को यहाँ पर देखते हुए एम्बुलेंस भी यहाँ पर रुकी। और काफी संख्या में जो है यहाँ पर लोग, आप दोनों तरफ देख सकते हैं, लगभग 4 घंटे तक लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ा पानी कम होने का। पानी की मात्रा भी बहुत अधिक थी, लोग भी काफी हो गए थे, जाम जैसे हालात यहाँ पे हो गई थी, वाहनों की लंबी कतारें यहाँ पर लग गई थी। तो दरअसल ये जो पुलिया है, यहाँ पर हर साल के यही हालात यहाँ पे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये पानी पुलिया के नीचे नहीं बह के ऊपर क्यों बह रहा है? तो आपको बता दें कि बहाव क्षेत्र में जो मिट्टी बहकर आती है, उस मिट्टी के बहने से और भारी मात्रा में मिट्टी आती है जो वो इस पुलिया के नीचे जमा हो गई। और पुलिया के नीचे जब ये मिट्टी इतनी जमा हो गई तो पानी जो है नीचे से नहीं गुजर के ऊपर से गुजर रहा है। तो ऐसे में एक सजेशन ये रहेगा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कि वो बारिश से पहले सभी पुलियाओं की जाँच कर ले। आप देखते हैं कि जब पेड़ बड़े हो जाते हैं बारिश के दिनों से ठीक पहले, विद्युत विभाग के लोग किस तरीके से पेड़ों की टहनियों को काट के लाइनों को ठीक करते हैं। तो इसी तरीके से सार संभाल करनी चाहिए और पुलियों में जहाँ कहीं पुलिया अवरुद्ध है तो उनको ठीक करने का काम इनको करना चाहिए।